नेक्स्ट टॉपिक है सोशल बिहेवियर। इसमें सबसे पहले कम्युनिकेशन को पढ़ते हैं। दो एनिमल्स के बीच में जो इन्फॉर्मेशन का पैसेज होता है उसको ही कम्युनिकेशन बोलते हैं, और यहाँ पे जो एनिमल इन्फॉर्मेशन को सेंड करता है उसको सेंडर या फिर सिग्नलर बोलते हैं, और जो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है उसको रिसीवर बोलते हैं। और यहाँ पे जो कम्युनिकेशन होती है वो वेरियस फॉर्म्स में होती है, जैसे अलार्म कॉल्स के थ्रू होती है, केमिकल्स के थ्रू होती है, इसमें फेरोमोन्स आते हैं, स्पीच के थ्रू होती है, कर्टशिप बिहेवियर के थ्रू होती है, और एग्रेशन के थ्रू होती है। और जो कम्युनिकेशन होती है वो दो टाइप्स की होती है, तो इंट्रा स्पेसिफिक कम्युनिकेशन होती है जो सेम स्पीशीज के मेंबर के बीच में होती है, जिसका एग्जाम्पल है जो हनी बी होती है, वो डांस परफॉर्म करके एक हनी बी से दूसरे हनी बी से कम्युनिकेट करती है, और दूसरी होती है इंट्रा स्पेसिफिक कम्युनिकेशन। ये दो डिफरेंट स्पीशीज के मेंबर के बीच में कम्युनिकेशन होता है, जिसका एग्जाम्पल होता है ह्यूमन और जैसे डॉग के या फिर उसके पैट उसका पैट एनिमल जैसे डॉग या कैट हो, उसके बीच में जो कम्युनिकेशन होती है वो क्या होती है, इंटर स्पेसिफिक कम्युनिकेशन। नेक्स्ट कम्युनिकेशन के मोड्स देखते हैं। कम्युनिकेशन एक्शन के थ्रू हो सकता है और बॉडी पैटर्न के थ्रू हो सकता है। एक्शन में आते हैं जैसे वॉइस के थ्रू, फेरोमोन रिलीज करके या मूवमेंट करके, जिसमें बॉडी के पोस्चर या गेस्चर के थ्रू, और बॉडी पैटर्न में जैसे कैमोफ्लेज में अपन देखते हैं जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी बॉडी का कलर चेंज कर लेते हैं, तो वो भी एक कम्युनिकेशन का वे होता है। तो कम्युनिकेशन या तो एक्शन के थ्रू होती है या फिर बॉडी पैटर्न के थ्रू होती है। और कम्युनिकेशन का पर्पस क्या होता है, किन के रिकॉग्निशन के लिए, मतलब अपने जो रिलेटिव्स होते हैं उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए, अपने बच्चों को रिकॉग्नाइज करने के लिए, कर्टशिप एंड मेटिंग के लिए, और जो फूड होता है उसकी लोकेशन दूसरे एनिमल्स को या उसके दूसरे जो स्पीशीज़ के मेंबर होते हैं उनको कम्युनिकेट करने के लिए, अपनी टेरिटरी को मार्क करने के लिए, या फिर अलार्म वार्निंग के लिए, एग्रेशन के लिए, या फिर मिमिक्री के थ्रू, ये सारे क्या होते हैं, कम्युनिकेशन के पर्पस होते हैं। फर्स्ट है टैक्टाइल कम्युनिकेशन, ये टच के थ्रू होती है बाय फिजिकल कॉन्टैक्ट, और ये मेनली इंसेक्ट्स में होती हैं जिनमें विजन पुअर होता है और उनका साउंड परसेप्शन होता है वो अच्छा नहीं होता। और ये इंसेक्ट में देखें तो किस में होती है, एंट्स में होती है, टर्माइट्स में होती है, और हनी बीज में होती है, और बीटल्स में होती हैं। टैक्टाइल कम्युनिकेशन का पर्पस क्या होता है, ये सोशल बॉन्डिंग शो करने के लिए होती है, इन्फेंट केयर में होती है, जैसे जो फीमेल प्राइमेट्स होती हैं वो अपने यंग वंस को कडल करती हैं, तो इन्फेंट केयर के टाइम टैक्टाइल कम्युनिकेशन होती है, ग्रूमिंग के टाइम होती है, और मेटिंग के टाइम भी क्या होती है, टैक्टाइल कम्युनिकेशन होती है। केमिकल कम्युनिकेशन, इसको ऑल्फैक्ट्री कम्युनिकेशन भी बोलते हैं, ये केमिकल्स के थ्रू होती है, और यहाँ पे लो कंसंट्रेशन पे भी हाईली सेंसिटिव रिस्पॉन्स मिलता है। जो केमिकल्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, तो फेरोमोन्स होते हैं और एक अलेलो केमिकल्स होते हैं। जो फेरोमोन्स के थ्रू जो कम्युनिकेशन होता है वो सेम स्पीशीज़ के मेंबर के बीच में होता है, और ये मेनली इंसेक्ट और मैमल्स में होता है। इंसेक्ट और मैमल्स में जो सेंट ग्लैंड्स होती है वो फेरोमोन रिलीज करती हैं। नेक्स्ट जो एलेलो केमिकल्स होते हैं वो दो डिफरेंट स्पीशीज़ के बीच में कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं। जो एलेलो केमिकल्स होते हैं वो चार टाइप्स के होते हैं, कैरोमोन्स, सिनोमोन्स, एलोमोन्स और एंटीमोन्स। कैरोमोन्स की बात करें तो ये अपन ने देखा ये क्या होते हैं, दो डिफरेंट स्पीशीज़ के बीच में कम्युनिकेट करने में हेल्प करते हैं, और यहाँ पे जो रिसीवर होता है वो क्या होता है, बेनिफिशियल होता है। इसका एग्जांपल अपन देखते हैं, जो कोई भी एनिमल होता है वो फेरोमोन रिलीज करता है तो उसका जो प्रेडेटर होता है उसको वो उस फेरोमोन से डिटेक्ट कर लेता है। सिनोमोन्स में दोनों सेंडर और रिसीवर को बेनिफिट होता है, जैसे जिसका एग्जांपल है क्यूज यूज्ड इन पॉलिनेशन, और एलोमोन में जो रिलीजर होता है वो बेनिफिशियल होता है, और एंटीमोन्स में किसी को भी कोई एडवांटेज नहीं होता। फेरोमोन के टाइप्स की बात करें तो उसमें सबसे पहले है अलार्म फेरोमोन्स। ये अलार्म फेरोमोन्स अलार्म मैसेज को कम्युनिकेट करता है सेम स्पीशीज़ के मेंबर के बीच में, और ये बीज, एंट्स और टर्माइट्स में मोस्टली प्रेजेंट होता है। बीज, एंट्स और टर्माइट्स जब कोई प्रेडेटर इनको अटैक करता है तो ये अलार्म फेरोमोन्स रिलीज करती हैं, और अपने स्पीशीज़ के दूसरे मेंबर को ये अलार्म मैसेज देती हैं कि प्रेडेटर का अटैक हुआ है। फिर जो टैडपोल होता है वो इंजर्ड हो जाता है तो उसकी स्किन से फेरोमोन रिलीज होते हैं जो कि अलार्म फेरोमोन्स होते हैं। और जो फिश होती है जब कोई इंट्रूडर इन्वेड करता है तो जो मैराइन और फ्रेश वाटर फिश होती हैं उनकी स्किन में स्पेशल सेल्स होते हैं जो फेरोमोन रिलीज करते हैं। फिर एंट्स की बात करें तो एंट्स में जो फेरोमोन रिलीज होते हैं वो कहाँ से होते हैं, उनके मैंडिबुलर से होते हैं, एनल से होते हैं, डेफोर्स और पॉइजन ग्लैंड्स के थ्रू उनमें जो फेरोमोन्स होते हैं वो रिलीज होते हैं। टर्माइट्स की बात करें तो इनमें सिफेलिक ग्लैंड्स के थ्रू फेरोमोन रिलीज होते हैं। वर्कर बीज की बात करें तो अपन ऑलरेडी देख चुके हैं, ये वर्कर बीज में जो स्ट्रिंग एपरेटस होते हैं और मैंडिबुलर ग्लैंड होती हैं उनके थ्रू फेरोमोन रिलीज होते हैं। और एफिड्स की बात करें तो इनमें कॉर्निकल्स के थ्रू फेरोमोन रिलीज होते हैं।
नेक्स्ट है ट्रेल फिरोमोन। जो एनिमल्स होते हैं वो पाथ को ट्रेस करने के लिए ट्रेल फिरोमोन रिलीज करते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं, जो एंट्स होती हैं वो फॉर्मिक एसिड रिलीज करती हैं, जो कि क्या होता है, ट्रेल फिरोमोन होता है। और यहाँ पे जो एंट्स होती हैं वो एक के पीछे एक फॉलो करते हुए चलती है, क्योंकि जो चींटियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, ट्रेल फिरोमोन रिलीज करती हैं। नेक्स्ट एग्रीगेशन फिरोमोन। इसमें एनिमल्स एक दूसरे को एग्रीगेट करने के लिए एग्रीगेशन फिरोमोन रिलीज करते हैं। ये डिफेंस के टाइम जब कोई अटैक होता है तो सब क्या होते हैं, एग्रीगेट करते हैं। नेक्स्ट फीडिंग के टाइम जो मदर होती है वो अपने बच्चे को फीड करती है, तो एग्रीगेशन फिरोमोन रिलीज़ करती है, जिससे बच्चे एक जगह इकट्ठा होते हैं और मदर उनको फीड करती है। रिप्रोडक्शन के टाइम भी एग्रीगेशन फिरोमोन रिलीज़ किया जाता है। वर्टिब्रेट्स में फिरोमोन का एग्जांपल देखते हैं, जो फीमेल जिप्सी मॉथ होती है वो डिस्पारल्यूर और गाइपाइल्यूर फिरोमोन को रिलीज़ करती है। जो फीमेल सिल्क वॉर्म होती है जो वो क्या करती है, बॉम्बिकॉल फिरोमोन को रिलीज़ करती है। एंट्स फॉर्मिक एसिड रिलीज़ करती है। और जो बीज होती है उनमें क्यून मेल को अट्रैक्ट करती है बाय रिलीजिंग अ फेरोमोन कॉल्ड एस 9-ऑक्सोडेकोनोइक एसिड। और वर्टिब्रेट्स के एग्जांपल देखें तो जो टाइगर होता है वो टाइगर माइन फेरोमोन रिलीज करता है, और मेल मस्क डियर होता है वो मस्कॉन फेरोमोन रिलीज करता है। है विजुअल कम्युनिकेशन। ये कलर पैटर्न्स, जैसे बॉडी का कलर चेंज होकर बॉडी पे मार्क्स के थ्रू कम्युनिकेशन होता है। इसका एग्जांपल होता है मिमिक्री, और एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल होता है डिस्ट्रैक्शन डिस्प्ले। इसमें जो एनिमल होता है वो प्रेडेटर को क्या करता है, डिस्ट्रैक्ट करता है, जैसे हॉक मॉथ में, और ये कैमोफ्लेज के थ्रू भी होता है। जो इंसेक्ट होते हैं वो अल्ट्रावायलेट रेंज में कम्युनिकेट कर सकते हैं, और उनमें जो विजुअल ऑर्गन होता है वो कंपाउंड आई होती है। विजुअल कम्युनिकेशन दो टाइप्स का होता है, एक तो बैजेस के थ्रू और एक डिस्प्लेस के थ्रू। जो बैजेस के थ्रू होते हैं उसमें जो एनिमल होता है वो अपनी बॉडी का कलर और शेप यूज़ करता है विजुअल कम्युनिकेशन के लिए, और इनको स्ट्रक्चरल अडेप्टेशंस बोलते हैं। और डिस्प्ले में क्या होता है, जो एनिमल होता है वो कुछ भी एक्ट करके कम्युनिकेट करता है, इनको बिहेवियरल अडेप्टेशन बोलते हैं। बैजेस में क्या होता है, कैमोफ्लेज होता है, मिमिक्री होता है, और डिस्प्लेस में क्या होता है, एक्ट मतलब अपनी बॉडी का पोस्चर चेंज करके, गेस्चर चेंज करके, टेल मूवमेंट के थ्रू जो कम्युनिकेशन होता है वो डिस्प्लेस के थ्रू होता है। वॉल्स और जो डॉग्स होते हैं वो सबमिशन शो करते हैं, जैसे जो पैट डॉग्स होते हैं वो क्या करते हैं, पाँव में लेट जाते हैं और अपना सबमिशन शो करते हैं। नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स की बात करें तो उसमें जो विजुअल सिग्नल्स होते हैं वो पोस्चर के थ्रू होते हैं, गेस्चर के थ्रू होते हैं, टेल मूवमेंट और पाइल इरेक्शन के थ्रू होते हैं। अकाउस्टिक कम्युनिकेशन, ये साउंड के थ्रू होती है, जैसे स्ट्राइडुलेशन होता है किसमें, क्रिकेट में, उनमें जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनकी रबिंग से जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसको स्ट्राइडुलेशन बोलते हैं, और ये किसमें होता है, क्रिकेट्स में होता है। और मेम्ब्रेन के वाइब्रेशन से जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो किसमें होता है, सिकेड्स में होता है। और टैपिंग से जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसके थ्रू कम्युनिकेशन होता है वो बीटल्स में होता है। हिसिंग के थ्रू किसमें होता है, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, हिसिंग के थ्रू मेडागास्कर कॉकरोच में होता है। और ये हिसिंग साउंड किससे प्रोड्यूस होता है, जब स्पाइरेकल्स के थ्रू एयर पास होती है तो उससे एक हिसिंग साउंड प्रोड्यूस होता है, और ये किसमें होता है, मेडागास्कर कॉकरोच में होता है। विंग के वाइब्रेशन से जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो किसमें होता है, मॉस्किटो और बी में होते हैं, और वो इससे क्या करती है, कम्युनिकेट करती है। अलार्म कॉल्स की बात करें तो ये किसमें होता है, डियर और रेड स्क्विरल्स में होता है। इकोलोकेशन की बात करें तो जो बैट्स और वेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करती हैं, और वो अल्ट्रासोनिक साउंड से क्या करती हैं, जो अपना प्रे होता है उसको क्या करती है, लोकेट कर लेती हैं, और वो कम्युनिकेट किसके थ्रू करेगी, इकोलोकेशन और उसमें अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करके। एलिफेंट्स इंफ्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, और जो बॉटल नोज डॉल्फिन होती हैं उनमें सिग्नेचर विस्लिंग होती है, वो क्या करती है, एक साउंड प्रोड्यूस करती हैं जिनको सीटी जैसी आवाज़ होती है, जिसको विस्लिंग साउंड बोलते हैं। और ये हर एक बॉटल नोज डॉल्फिन में क्या होगी, अलग अलग होंगी, इसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं, सिग्नेचर विस्लिंग बोलते हैं। और बर्ड्स किसके थ्रू कम्युनिकेट करती है, सॉन्ग्स के थ्रू कम्युनिकेट करती है, और इसमें भी सॉन्ग्स दो टाइप के होते हैं, एक तो लॉन्ग सॉन्ग्स होते हैं जिसमें वो अपने मेट को अट्रैक्ट करती है, और ब्रीफर कॉल्स होती हैं जिनमें वो फूड की इंफॉर्मेशन देती है और प्रीडेटर की प्रेजेंस की इंफॉर्मेशन देती है और फैमिली मेम्बर्स को आइडेंटिफाई करती है। नेक्स्ट बीज पे कम्युनिकेशन देखते हैं, ये एक टाइप का विजुअल कम्युनिकेशन होता है, और ये फ्रेंच ने डिस्कवर किया था। इनमें तीन तरह का डांस होता है, उसके थ्रू ही कम्युनिकेट करते हैं, एक तो राउंड डांस होता है, एक सिकल डांस होता है, और एक वेगल डांस होता है। राउंड डांस में जब खाना 50 से 100 मीटर की दूरी होती है तो ये राउंड डांस परफॉर्म करती है, और इनमें सिर्फ जो खाने की डिस्टेंस होती है वो उसका ही उसको ये कम्युनिकेट करती है। सिकल डांस में जो फूड की लोकेशन होती है वो 50-150 मीटर होती है, और वेगल डांस में क्या होती है, ये एक आर्ट शेप के आकार में वेगल डांस करती है, और जब खाने का जो सोर्स हो, उसकी लोकेशन हो, वो 100 मीटर से ज़्यादा हो तो वेगल डांस करती है। और यहाँ पे ये खाने की डिस्टेंस के साथ साथ उसकी डायरेक्शन को भी कम्युनिकेट करती है। फिर जो
बीज होती हैं, उनके बीज में जब वो किसी को स्टिंग करती है, काटती हैं, तो जो डाइंग बीज होती है वो एक अलार्म फिरोमोन रिलीज़ करती हैं, और वो अलार्म फिरोमोन्स उनकी नासेनॉव ग्लैंड से रिलीज़ होते हैं। इंपॉर्टेंट है वो अलार्म फिरोमोन कहाँ से रिलीज़ होगा, उनकी नासेनॉव ग्लैंड से रिलीज़ होगा। और जब अपन देखते हैं एक जब मधुमक्खी काटती है तो बाकी सारी मधुमक्खियाँ काटने के लिए आ जाती है, उसके पीछे रीज़न क्या होता है। और ये अपन ने ये भी देखा था जब मधुमक्खी किसी को काटती है तो वो डंग छोड़ते ही उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो जो डाइंग बी होती है वो एक अलार्म फेरोमोन रिलीज़ करती है अपनी नासानोव ग्लैंड को, और वो दूसरी बीज को स्टिमुलेट करती है उस इंट्रूडर को अटैक करने के लिए। कुछ फिशेस होती है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू कम्युनिकेट करती हैं, जिसका एग्जाम्पल है टॉर्पिडो और शार्क्स। शार्क्स में क्या होता है, एक एम्फुला ऑफ लॉरेंजिनी प्रेजेंट होता है जो उनको सेंस करने में हेल्प करता है। फिर कुछ जो इंसेक्ट होते हैं या मैराइन ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें क्या होता है, बायोलुमिनेंस प्रेजेंट होता है, ये भी एक टाइप का विजुअल कम्युनिकेशन होता है। और ये किस में प्रेजेंट होता है, फायर फ्लाइज में, बीटल्स में और मैराइन ऑर्गेनिज्म में। और इसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक लाइट अमिट करते हैं। और क्रिल की बात करें तो क्रिल जो बायोलुमिनेंस शो करती है वो प्रेडेटर को कंफ्यूज करने के लिए करती है। जेलीफिश जब थ्रेटेंड होती है तब वो बायोलुमिनेंस शो करती है, और ब्लैक ड्रैगन फिश प्रे को सर्च करने के लिए बायोलुमिनेंस को शो करती है। तो ये बायोलुमिनेंस क्या होता है, विजुअल कम्युनिकेशन का ही टाइप होता है।